वेस्ट इंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान। रोहित, विराट और पंत को मिला आराम। शिखर धवन संभालेंगे टीम की कमान। जडेजा होंगे उपकप्तान। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। टीम की कप्तानी शिखर धवन को सौंपी गई है। बीसीसीआई की सीनियर सिलेक्शन कमेटी ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। जैसे कि इस दौरे के लिए अटकलें लगाई जा रही थी, इस दौरे पर टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। खास तौर पर वो खिलाड़ी जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी जैसे नाम शामिल हैं। वहीं बीसीसीआई की सीनियर सिलेक्शन कमेटी ने कुछ खिलाड़ियों की वनडे टीम में वापसी करवाई है। इनमें शुभमन गिल, संजू सैमसन और मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए शिखर धवन को कप्तान बनाया गया है। दूसरी बार धवन बने कप्तान। बाएं हाथ के अनुभवी ओपनर शिखर धवन दूसरी बार टीम इंडिया की कमान संभालेंगे। इससे पहले वो पिछले साल श्रीलंका दौरे पर गई दूसरे दर्जे की भारतीय टीम के कप्तान थे। तब उन्होंने वनडे और टी20 सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी की थी। वहीं रविंद्र जडेजा को टीम का वाइस कैप्टन बनाया गया है। रविंद्र जडेजा पहली बार ये जिम्मेदारी निभाएंगे। जडेजा को इससे पहले इस साल आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करते हुए देखा गया था, लेकिन फिर उन्होंने बीच सीजन में ही चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ दी थी और इसके बाद वो इंजर्ड होने की वजह से पूरे के पूरे आईपीएल से बाहर हो गए थे। तो दोस्तों, अब ज्यादा देर नहीं करते, आपको उन खिलाड़ियों के नाम बताते हैं जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। शिखर धवन टीम के कप्तान होंगे तो रविंद्र जडेजा होंगे उप कप्तान। ऋतुराज गायकवाड को भी इस टीम में मौका दिया गया है। ईशान किशन विकेट कीपर बल्लेबाज की भूमिका निभाएंगे। शुभमन गिल की टीम में लंबे समय के बाद वापसी हुई है। इसके अलावा दीपक हुडा को टी20 सीरीज में अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला है। आपको याद होगा, दीपक हुडा ने आयरलैंड के खिलाफ खेले गए टी20 मैच में शतक जमाया था और इसी वजह से सेलेक्टर्स ने अब उन पर वनडे सीरीज के लिए भी भरोसा जताया है। सूर्य कुमार यादव भी टीम में होंगे। श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन की भी लंबे समय के बाद वनडे टीम में वापसी हुई है। शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, आवेश खान, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज की भी लंबे समय के बाद टीम में वापसी हुई है और अर्शदीप सिंह को टी20 के बाद अब वनडे सीरीज के लिए भी चुना गया है। तो ये है वो टीम जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ आपको 3 वनडे मैच में खेलती हुई दिखाई देगी। दोस्तों, पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ी कुछ ज्यादा ही आराम ले रहे हैं। आईपीएल के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेले थे। इतना ही नहीं, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने भी उस टी20 सीरीज से आराम लिया था। ऐसे में क्या इन खिलाड़ियों का बार बार आराम लेना ठीक है? क्या आपको नहीं लगता कि इन खिलाड़ियों को भी लगातार क्रिकेट खेलना चाहिए, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बल्ले से पहले ही रन नहीं निकल रहे हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा बाकी खबरों के लिए भी हमारे Facebook पेज को लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।